हेलो दोस्तों, मुझे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने NMMS के परीक्षा फॉर्म भरने ही लगे हैं, तो जिसने भी अभी भरे नहीं हैं और जिसको मालूम नहीं है पेपर कब है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये पेपर होने वाला है 2023-24 के लिए। कब? 2023-24 के लिए जो NMS की परीक्षा है वो आपकी सितंबर में आपकी डेट आ चुकी है। मैंने डेट भी बताई हुई है सितंबर में आपका पेपर कब होना है, और अब मैं आपकी तैयारी भी करा रहा हूँ और भी वीडियो मैंने बना रखी है और फिर से वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में होने वाले बैन आरेख से संबंधित अपने चित्र, इन चित्रों में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि कैसे सॉल्व करें, और बहुत से लोगों को होता है। जिसे होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, इसमें आपके सभी एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश देख लेगा और जो हिंदी का है वो हिंदी देख लेगा, ठीक है ना। तो सभी के डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कैसे सॉल्व करें, तो इसमें रिलेटेड करना पड़ता है। कैसे रिलेट, मतलब एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ें अपन, जैसे मिनट, मिनट दिन के अंदर आता है और माह साल के अंदर आता है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ी साल हो गई। साल के अंदर कौन आएगा, माह आएगा। साल के अंदर ही आएगा ना माह, और माह के अंदर क्या आएगा, दिन आएगा, और दिन के अंदर क्या आएगा, मिनट आएगा। तो अब कैसा चित्र बन गया ये, फर्श। तो ऐसे अपन को कोरिलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सभी साल के अंदर आते हैं क्योंकि सभी टाइम दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। इस साइड पे अपन फर्स्ट लगा देंगे। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर देखिए नीचे दिए गए हैं, तो अपन यहाँ पर टिक कर सकते हैं ए नंबर का, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऊपर टिक कर दिया था। आगे चलिए, अब देखिए, अब क्या है, अब देखिए औरतें, ये औरतें अलग हैं, अलग काम से संबंधित हैं, ठीक है ना। और क्या दिया गया, शिक्षक, शिक्षक अलग क्षेत्र में काम करता है, और चिकित्सा जी अलग क्षेत्र में काम करती है। वो तीनों एक ही से रिलेटेड थी, अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था। अब औरतें ये अलग काम करेंगी, ठीक है ना। शिक्षक ये स्कूल में पढ़ाएगा, ये चिकित्सक तो हॉस्पिटल में काम करेगा। तीनों अलग अलग हो गए, कैसे हो गए, तीनों अलग अलग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या, ए डी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। तीनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। कैसे हैं, तीनों के तीनों अलग हैं, कोई किसी का भी काम किसी से रिलेटिव नहीं है, ओके। तो डी नंबर अपना आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि सब्जियां और हरी मिर्च, ठीक है ना, सब्जियां और हरी मिर्च। ए देखिए, सब्जी और हरी मिर्च अपनी एक ही में आ गई, ठीक है ना। सब्जी कह लो या अपन हरी मिर्च कह लो, सब्जियों के अंदर ही हरी मिर्च आएगा। कि पहले क्या आएगा, सब्जी आएगी, उसके अंदर क्या आएगा, हरी मिर्च आएगी। और ये नमक अपना अलग हो गया, ठीक है ना। पहले सबसे बड़ा क्या हो गया, सब्जी, उसके अंदर क्या आ गया, हरी मिर्च। सब्जियों के अंदर ही आती है ना हरी मिर्च, और नमक क्या हो गया, अपना अलग हो गया। तो इस टाइप का कहाँ पर, अपन सी नंबर में, ठीक है ना। तो सी नंबर वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है ना। ये देखिए, बस और स्कूटर, ये दोनों चलने वाले हैं, कहाँ पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बस और स्कूटर, एक बस हो गया और स्कूटर, और परिवहन, एक परिवहन के अंदर आते हैं दोनों, बस और स्कूटर कहाँ पे आते हैं, परिवहन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आएंगे, परिवहन के अंदर, एक बस हो गया और ये स्कूटर हो गया, ठीक है ना। तो इस साइड से ये अपन जैसे कहते हैं ना परिवहन विभाग, तो वहाँ पर अपन को बस स्कूटर ले जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इस टाइप का चित्र बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस साइड पे अपन बी टिक कर देंगे, ओके। आगे चलिए, अब देखिए, ठीक है ना। अब देखिए आयात ऐसा होता है, ठीक है ना, आयात ऐसा होता है,
वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और त्रिभुज ऐसा होता है। ये तीनों अलग अलग हो गए, कोई भी कोरिलेटेड नहीं है इसमें से, ठीक है ना, नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। आयात ऐसा होता है, वर्ग ऐसा होता है और त्रिभुज ऐसा होता है, कोई भी कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। ओके आगे चलें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ब्रेथ, व्यास और चाप। ब्रेथ, व्यास और चाप। अब देखिए ये अपना ब्रेथ हो गया, ये ऐसा ब्रेथ होता है अपना, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसका व्यास ए कहलाता है, और ये ए वाली है ना, ये थोड़ी अलग कलर से दिखाऊँ मैं, ए इसको अपन चाप कहते हैं, इसको इसको अपन त्रिज्या भी कहते हैं, इसको अपन चाप भी कहते हैं, और ये वाला अपना क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, वृत्त के अंदर आते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर आते हैं, वृत्त के अंदर। तो अपना चित्र कैसा बन जाएगा, पहले अपना वृत्त हो जाएगा, तो इसी के अंदर व्यास हो जाएगा और इसी के अंदर चाप हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, बी नंबर का आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेटेड है, को रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके आगे चलिए, अब आगे देखिए आप खुद रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे जूते से चमड़े बनते हैं, तो कुर्सी जूते से चमड़े संबंधित है, तो कुर्सी संबंधित है, कुर्सी किससे संबंधित है, कोई लकड़ी से, सीधी सी बात है, किससे संबंधित होगी, लकड़ी से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुड आ जाएगा, जैसे शूज आर रिलेटेड टू लेदर एज चेयर इज रिलेटेड टू वुड, ठीक है ना। आगे चलिए, पक्षी का संबंध घोंसले से है, तो घर से संबंधित है पक्षी, पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में। मानव, मानव कहाँ रहेगा, घर में। तो देखिए 58 का क्या हो जाएगा, सी नंबर का अपना आंसर सही हो जाएगा। जैसे नेस्ट इज रिलेटेड टू बर्ड एज हाउस इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन के लिए, ठीक है ना। ओके समझ में आ रहा है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन है अपना, भूख का संबंध खाने से है, भूख का संबंध खाने से है, तो सोने का संबंध किससे होगा, सोते कब है अपन, ये सोना चांदी वाला सोना नहीं है, सोना है जो अपन रात को सोते हैं, कब सोते हैं, रात को। जैसे फूड इज रिलेटेड टू हंगर एज स्लीप इज रिलेटेड टू नाइट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नाइट, स्लीप। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सोना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्लीप, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन अपना, पंख का संबंध चिड़िया से, पंख किससे उड़ती है, चिड़िया से, तो कार का संबंध किससे होगा, कार काहे पे चलती है, पहिया पे, तो कार का संबंध किससे हो जाएगा, पहिया से। वाइड इज रिलेटेड टू विंग्स एज कार इज रिलेटेड टू व्हील, क्या आ जाएगा, व्हील। तो यहाँ पर अपन ने 51 से लेकर 60 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, किससे, आकृतियों से रिलेटेड, कौन सी आकृति किसके अंदर आएगी, जो कि बैन आरेख अपन को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज इतना ही, इसके बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।